इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो बात यह है कि जो बेबी पेंगुइन आदित्य ठाकरे जी को कहा जाता है बेबी पेंगुइन, तो नीतीश राणे और नारायण राणे का कहना है कि दिशा सालियान की मोबाइल लोकेशन आदित्य ठाकरे की मोबाइल लोकेशन को चेक करना चाहिए। और आदित्य ठाकरे ने इस बारे में बताया कि उनके परिवार का बार बार इसमें नाम घसीटा जा रहा है सुशांत के पूरे मुद्दे में, उनके परिवार का उनका सुशांत के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि काफी निचले स्तर की राजनीति हो रही है, ऐसी निचले स्तर की राजनीति कभी किसी स्टेट में कहीं पर भी नहीं हुई है जितने निचले स्तर की राजनीति जो इन लोगों के साथ में हो रही है। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही गंदी राजनीति उनके परिवार का और उनका नाम बार बार घसीटा जा रहा है, बहुत ही गंदी राजनीति उनके परिवार के साथ में हो रही है, उनका भी नाम घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, सुशांत का केस अगर चलता है तो चलता रहे, जांच मगर मेरा नाम इसमें ना घसीटा जाए, ऐसे आदित्य ठाकरे ने सामने निकल के कहा है। कहने तो बात की बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी भी मोदी सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि ईडी और सीबीआई का नाम ले लेकर, ईडी और सीबीआई की मदद ले लेकर जो है केंद्र सरकार अपने विरोधियों का टारगेट करती है। केंद्र सरकार हमेशा ही ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है, लोगों को मुक्की खाने के लिए मजबूर करती है और लोगों को जो है अपनी राजनीति वो डराने वाली राजनीति, और बीजेपी की डराने वाली राजनीति से वो डरने वाले नहीं है, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है। और संजय राउत ने भी इसी तरह से कुछ बिल्कुल गरियाए हुए अंदाज में बात की कल कंगना रनौत को जब हाईकोर्ट की तरफ से रिलीफ मिली सैटरडे को, तो संजय राउत ने भी कहा कि अब उन्हें नई कानून की किताबें शायद पढ़नी पड़ेगी जिसमें कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेसेस को न्याय मिलता है और हम लोगों को जो है बुलडोजर घुमाने की वजह से इस तरह से फटकार लगती है, तो हमने बुलडोजर घुमा के कोई गलत काम नहीं किया है। इस तरह से आदित्य ठाकरे भी निकल के सामने आए हैं, उद्धव ठाकरे भी निकल के सामने आए हैं और संजय राउत भी धमकाने के लिए सामने निकल के आ गए हैं। सोशल मीडिया पे तो ये भी ट्रेंडिंग चल रहा है कि शिवसेना की जो राजनीति है, तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही है। अगर अर्णब गोस्वामी का अगर हम केस देखेंगे अब निकल के, तो 1450 पन्नों की चार्जशीट अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर हो गई है और अर्णब गोस्वामी को फ्रॉड करार दे दिया गया। अक्टूबर में टीआरपी फ्रॉड में जब परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसी मैटर को आगे बढ़ाया गया है। रिपब्लिक मीडिया, न्यूज नेशंस और भी कई बड़े चैनलों के इसमें नाम है और ऐसे मेरे ख्याल से ऑल टुगेदर इसमें आठ चैनल्स के नाम है और ये आठ चैनल जो है फर्जीवाड़े के आरोप है इनके ऊपर। चैनलों के जो मालिक है, ऑनर्स जो है वो वॉन्टेड है और ये आठों की आठों ऑनर्स जो है वो किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं, तो क्या अर्णब गिरफ्तार होंगे ये भी एक बड़ा पेच है कि अगर अर्णब गिरफ्तार होंगे तो बाकी दूसरे चैनल्स के ऑनर्स अगर गिरफ्तार होंगे तो फिर अर्णब भी गिरफ्तार होंगे और अगर अर्णब गिरफ्तार होंगे तो और चैनल के ऑनर्स भी गिरफ्तार होंगे। इस तरह से आठ चैनल के ऑनर्स जो है एक साथ गिरफ्तार हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो है ये केबल ऑपरेटर्स के साथ में मिलकर किड्स सेक्शन में भी इनके चैनल चल रहे थे और न्यूज सेक्शन में भी ये चैनल चल रहे थे। चटूरी ने बताया है कि अमित शाह का फोन गया था किसानों के लीडर्स के पास में और अमित शाह बात करना चाह रहे थे किसानों से, लेकिन अब इस बार किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है कि आखिरकार वो क्या बात करेंगे। अमित शाह की टीम ने बूटा सिंह को भी कॉल किया था, और गुरनाम सिंह चटोरी को भी दिल्ली में आने वाले पांच रास्तों को सीज कर दिया, मतलब जितने रास्तों से आप दिल्ली में एंट्री कर सकते थे सारे रास्तों को किसानों ने सीज कर दिया है, मगर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। नेता है वो काफी पड़े हुए नेता है जिसमें बूटा सिंह है, जिसमें गुरनाम सिंह चटोरी है, ये लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे और काफी ज्यादा समझदार लोग हैं, तो सरकार ऐसे नहीं कह सकती कि किसानों को भ्रमित किया जा सकता है, किसानों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। किसान सिर्फ अपनी जो बेसिक आय है उसको बचाना चाहते हैं, किसान एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं, जिसको सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी ने भी बताया कि कृषि सुधारों के लिए जो है इससे नए विकल्प मिलेंगे किसानों को, इन बिलों से किसानों को ऐसे कौन से विकल्प मिल जाएंगे उसके बारे में मोदी जी बात नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो टैक्सी यूनियन भी किसानों के साथ में आ सकती है और टैक्सी ओला